दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ नदी के किनारे, तामाकोसी नदी के किनारे। ये आ गया है खाना आज का। ये क्या है? करेला, खीरा, सब्जी और ये साग और ये दाल। और इसके बाद फिर आगे दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ नदी के किनारे, तामाकोसी नदी के किनारे घूमने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। और ये है हमारे पीछे ये सब लोग, कौन कौन है? भाभी है। और ये कौन है? मणिराज भतीजा। और ये है भतीजी। और देखते मैं चलता हूँ फिर। तो दोस्तों तभी मैं जा रहा हूँ नदी के किनारे। ये देखिए यही रास्ता है हाटे चोरी, जहाँ पे हाट लगता है मंथली का, वहां से होकर के। ये नदी के किनारे आ गए, इधर है ये देखिए नदी, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया। ये देखिए इसी था, उधर से नदी आती है तामाकोसी, सोर्स ऑफ कोसी। कोसी में सब तरह कोसी है, सात कोसी मिल करके एक कोसी, जो बिहार में तबाही मचाती है कोसी नदी बाढ़ के महीने में, बारिश के महीने में, वही एक कोसी। और ये देखिए कोसी नदी है, और कोसी नदी के पास हम लोग आ गए हैं। कितना अच्छा है कोसी नदी आप देख सकते हैं, पानी इतनी ठंडी है कि मतलब फ्रीज से भी ज़्यादा ठंडी है। इसमें आप अभी नहा नहीं सकते हैं क्योंकि जस्ट हिमालय के एकदम नज़दीक से आ रही है पानी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सनसेट, सनसेट कैसा हो रहा है। सनसेट हो गया है, देखिए दोस्तों कोसी, तामाकोसी सप्तकोसी का सोर्स नदी है, सात कोसी मिलकर के ये कोसी बनती है। और ये कोसी के किनारे ऊपर में देखिए पहाड़ पर घर सब। चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ऊपर में पहाड़ पर घर है एकदम टॉप तक। यहाँ पर ऊपर ऊपर मतलब बहुत मुश्किल लगेगा कि कैसे ये लोग रहते हैं। दोस्तों देखिए भाभी बोली थी वीडियो बना देने के लिए, रिकॉर्डिंग कर देने के लिए, लेकिन अपने से किया अपने मोबाइल में टिकटॉक बनाने के लिए, तो वही मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। चाउमीन बना रही है नाश्ते के लिए, भूख भी लग गया है काफ़ी, घूम के आया हूँ। तो अब देखते हैं खाने के बाद कैसा लगता है, अब खाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, सॉस भूटान के कंपनी का सॉस कहाँ से खरीदा? नेपाल में। नेपाल में मिलता है भूटान? अच्छा, कितने में दिया है? 110। दिखाओ जरा, ये 110 नेपाली में दिया है, भूटान का है, मेड इन भूटान, प्योर टोमेटो। बनता कहाँ पे है? अच्छा, बनता है नेपाल में लेकिन कंपनी भूटान का है।
रिजाल टासी भाई, थोड़ा सा तीखा बना है, इसका रिव्यू यही है। नूडल्स जो बना है थोड़ा सा तीखा बना। दोस्तों ये देखिए भाभी दीपावली के लिए क्या बना रही है, बत्ती। और दीपावली के बाद भी पहले भी मतलब हमेशा हमारे घर में भगवान के पास मंदिर में दीपक जलता है, और दीपावली में फुर्सत के टाइम में बत्ती बालती है, बत्ती बनाती है, मतलब बत्ती बालती है हमेशा भगवान के लिए सुबह शाम, और फुर्सत के टाइम में ये बत्ती बनाती है, फार्मेसी भी चलाती है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, फार्मेसी भी चलाती हूँ, फार्मेसी भी चलाती हूँ, खाना भी बनाकर खिलाती है और टिकटक भी बनाती है, लेकर चलती हूँ परिवार। फार्मेसी भी चलाती है, टिकटक भी बनाती है, नेपाल में टिकटक बैन नहीं है, और फेसबुक भी चलाती है, और बिरामी आने पर दवा भी देती है, खाना भी बनाती है, बच्चे सबको भी संभालती है, पढ़ाती लिखाती है, और टाइम पास के बेल में बत्ती भी काटती हूँ। ये देखिए रात में कैसे बत्ती बना रही है, ये देखिए ये बन गया, ये देखिए ये बना हुआ बत्ती कैसा है, और ये देखिए कैसे बना रही है, और ये देखिए रुई, ये रुई है बत्ती काटने वाला, बत्ती काटने वाला ये रुई है। दोस्तों तो अब हो गई है रात, 10 बजने वाला है, और अब गुड नाइट करते हैं आज के ब्लॉग के लिए, और फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। सी यू टाटा, सी यू टुमारो, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट जगह का नेक्स्ट टॉपिक कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय।